और उठाया हुआ मेरा ये पहला कदम, मुझे मेरे बाबा से मिला देगा, मुझे मेरे बाबा से मिला देगा। बस यूं कह लो मेरा भाग्य बना देगा। साईं की बोल उठाया हुआ मेरा ये पहला कदम। ओम साई राम। श्री साई सचित्र के अध्याय 28 में वर्णन है कि बाबा एक समय कहते हैं कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, वह शिरडी को ऐसे खींचा चला आता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खींचकर स्वयं ही आ जाती है। और यह यकीनन सत्य है, आज भी बाबा चुन चुनकर भक्तों को शिरडी की ओर खींचकर लेकर आते हैं। आइए आज आपको एक ऐसी साई सेविका से मुलाकात करवाते हैं जिनका अनुभव श्री साई सचित्र के अध्याय 40 में भी वर्णित है। एक बार बीवी देव ने अपनी माता जी के व्रत उद्यापन के अवसर पर बाबा को आमंत्रित किया। उद्यापन के दिन बाबा 2 बालकों के साथ देव के घर सन्यासी के रूप में आए। उन्होंने भोज किया और चले गए, मगर देव उन्हें पहचान नहीं पाए। ऐसा ही कुछ गाजियाबाद की साई सेविका कनिका डैंग जी के साथ भी हुआ। आइए उनसे ही सुनते हैं साई की ओर मेरा पहला कदम। ओम साई राम। मेरा नाम कनिका डैंग है। ये 1997 की बात है। मेरे हस्बैंड के कजन की एक शादी में मैं उनकी एक सिस्टर से मिली और उन्होंने मुझे बाबा के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो पहले हमेशा, उनकी नई नई शादी हुई थी, उनके हस्बैंड उनको ले जाते थे लोधी रोड मंदिर, और वो कहती थी कि मुझे कहीं और ले जाओ, हमेशा यहाँ क्यों ले आते हो। और उन्होंने कहा वो फिर भी आती रही हर संडे, और उनका ऐसा उनके साथ कनेक्शन हुआ कि उनको लगा कि मैं तो यहीं जाऊंगी अब, और कहीं नहीं जाऊंगी। और उन्होंने मुझे एक किताब दी, बाबा की एक किताब दी, और वो मैं किताब लेकर आई उनसे और मैं पढ़ने लग गई। इसके कुछ महीनों के बाद की बात है कि मैं खाना बना रही थी किचन में और डोरबेल बजती है बाहर से डोरबेल बजती है, जो कि एक ड्राइववे है यहाँ से हमारे और एक गेट तक। जैसे ही मैंने उस ड्राइववे में देखा वहां पर गेट पर, मेरे मुंह से यही निकला, बाबा आप मेरे घर। और मैं भागती हुई चली गई। मैंने देखा कि एक आदमी जो कि बहुत बूढ़ा सा है, उसने कंबल, फटा हुआ कंबल अपने सर पर ले रखा है, ओढ़ रखा है, और बड़ी बड़ी दाढ़ी है। और मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, मैंने जाकर गेट खोला और मैंने पूछा बाबा आप मेरे घर। तो बोलते बाबा बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है बेटी, कुछ खाने को दे दो। और मैं भागी हुई अंदर आई क्योंकि मैं खाना ही बना रही थी। मैंने रोटी उठाई, सब्जी उठाई और मैं लेकर भाग गई बाबा के पास। बाबा कहते हैं पानी नहीं लाई बेटी। मैंने कहा अरे हाँ मैं लाती हूँ, अभी लाई बाबा आप जाना मत। मैं अंदर आई पानी लेकर, जैसे ही बाहर गई वहां पर कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। और मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। बाबा मेरे साथ मेरे पास आए, मेरे घर में आए। मैं रोती रह गई, वहीं पर खड़ी रह गई कुछ देर के लिए, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। बाबा से जुड़ने के बाद किस तरह से पति की बीमारी के समय परेशान और निराशा के क्षणों में बाबा ने करिश्मा दिखाया, वो बताते हुए कनिका जी भावुक हो उठी। और 98 नवंबर दिसंबर में मेरे हस्बैंड को एक प्रॉब्लम हो गई थी बैक में, उनको बैक एक शुरू हुआ। तो वो पहले तो उसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, डायग्नोसिस होते होते 2-3 महीने लग गए। तब जाकर जब डायग्नोसिस हुआ तो उनको बताया गया कि उनको ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन है। तो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन उस टाइम पर बहुत रेयर माना जाता था, कि कोई किसी ने सुना भी नहीं था इस चीज को। तो जब इलाज शुरू हुआ तो इलाज शुरू होते होते बहुत टाइम लग गया कि नहीं फर्क पड़ रहा था, उनकी तबीयत और खराब होती चली जा रही थी। मैंने बाबा के सामने जाकर खड़े होकर पूछा कि, मतलब मैं रो रही थी, उनसे पूछ रही थी कि ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ। तो उसी रात बाबा ने मुझे सपने में आकर, मेरे सपने में आए, वो एक पूरे वाइट उसमें थे, ड्रेस में, वाइट ड्रेस, और उन्होंने
उनके हाथ से ऐसे जैसे वो एक रोशनी सी आ रही थी बहुत तेज, और उन्होंने मुझे मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं हूं। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला और मेरी नींद खुल गई, और मैंने सोचा, मुझे सच में ऐसे लगा जैसे बाबा यहीं खड़े थे। फिर भी एक मन में वो रहा कि मेरा शायद ये मेरा वो है वहम है, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं बाबा ही है। फिर मैंने सोचा बाबा जब साथ में है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तबीयत और बिगड़ती चली गई, जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, तब डॉक्टर्स ने उनका MRI दोबारा से किया, तब पता चला कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके दो जो वर्टिब्राज होते हैं चार, वो कोलैप्स हो गए थे। तो वो कोलैप्स हो गए थे तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसमें हमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि बहुत रिस्की सर्जरी है। तो उस दिन का दिन है, तब भी हमें किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हम लोग सब अपनी अपनी तरह से, सब अपने अपने भगवान को सब मान रहे थे, दुआ कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक था कि मेरे साथ बाबा है। पता नहीं वो कहां से वो आती थी बार बार कि बाबा है ना, बाबा है ना। तो ऐसा हुआ कि जिस दिन उनकी सर्जरी थी, उस रात को मैंने सपना देखा कि बाबा आए हैं, मेरे हस्बैंड लेटे हैं बेड पर, मैं उनके साइड में बैठी हूँ, बाबा आए हैं, उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा, मेरे सर पर हाथ रखा, और वो चले गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आशीर्वाद दिया और वो चले गए। वो दिन है कि आज तक मुझे वो दिन याद आता है तो मैं कहती हूँ कि बाबा ऐसे आए थे जैसे बिल्कुल मुझे बता कर गए हूँ कि मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। उनको इतना विश्वास था कि कोई भी मुझे आकर बोलता था ना कि कुछ, जैसे कोई ऐसे रोने लग जाता था कि क्या हो गया, और मैं बोलती थी कुछ नहीं होगा, कोई नहीं कुछ बोलेगा, कुछ नहीं होगा उनको, इतना विश्वास था। जब उनको सर्जरी के लिए लेकर जा रहे थे अंदर, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे छोड़कर आ रही हो, तो उनकी नजरों में ये था, उनकी आंखें ऐसे देख रही थी मुझे कि पता नहीं कि नेक्स्ट टाइम देख भी पाएंगे या नहीं, ऐसी वाली सिचुएशन थी। 8 घंटे वो सर्जरी चली और डॉक्टर्स ने आकर बताया कि सर्जरी ठीक हो गई है, लेकिन अभी अगले 48 आवर्स बहुत क्रिटिकल है। तो जब मैं उनको सर्जरी के बाद, जब मैंने उनको पहली बार देखा, तो मैं ही कोलैप्स हो गई, बिकॉज उनकी हालत ऐसी थी कि आप कोई देख भी नहीं सकता था, इतने ज्यादा वीक हो गए थे और इतनी सारी ट्यूब्स थी उनके पूरी बॉडी में। उस रात मुझे घर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे लेडीज को अलाउड नहीं था वहां पर ICU के उधर रहने का, लेकिन घर जाने की हिम्मत नहीं थी, मैं अपनी मम्मी के घर गई। 4 बजे का टाइम है, मुझे ऐसे लगा कि मुझे आके किसी ने उठाया है, उठ ऐसे करके बोला है उठ, और मैंने इधर उधर देखा और मेरे मुंह से ओम साई राम निकला, और मैं तैयार होके चली गई। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड मेरे को बुला रहे हैं, उसी टाइम से वो मुझे बुला रहे हैं, और वहां पर डॉक्टर्स कह रहे थे कि उनको जल्दी से बुलाओ यहाँ पर। और मैं वहां पहुंची और उन्होंने, जैसे उनके बारे में मैंने डॉक्टर से बात करी कि उनके, तब वो थोड़े सेटल्ड हुए, नहीं तो वो थोड़े वो एंग्जियस हो रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बाबा ने ही मुझे वहां भेजा और वहां से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई। वो दिन है और आज का दिन है बाबा के मिरेकल्स। मैं कहूं कि मैं अभी भी बोल रही हूं तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं अभी भी बोल रही हूं तो मुझे लग रहा है कि बाबा है तो सब ठीक है। कनिका ने जी बताया कि वर्ष 2004 या 5 में शिरडी वो पहली बार गई थी। बाबा से रूबरू होने के बाद उन्होंने बताया, मैं थोड़ी देर के लिए तो गुम ही हो गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वहां से हिलूं भी, मैं ऐसे ऐसे खो गई थी जैसे मैंने उनसे नजरें मिलाई, मुझे लगा कि ऐसे एक होता है ना, इंसान खो जाता है, मोहित हो जाता है, वहीं पे रम जाता है। मन ही नहीं कर रहा था कि वहां से मैं हिलूं भी। मुझे किसी ने आके बोला चलने के लिए, क्योंकि आंखों से आंसू बह रहे थे उनको देखते ही, और वो बोल रहे थे कि नहीं आप यहां से चलो। मैं बोल रही थी थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, 2 मिनट। उस शिरडी के ट्रिप के पहले ट्रिप के दौरान हमने 3 बार दर्शन करे, जैसे तैसे करके, नहीं मुझे फिर से एक बार दर्शन करा दो, एक बार दर्शन। तब वो मुख दर्शन का वो उस टाइम वो नहीं था वहां पर, और वो ही था कि 3 बार मैंने 3 बार दर्शन करे, तब वो मुझे अभी भी याद है। और मेरे बच्चे तब छोटे छोटे थे, पूरे
चार घंटे की लाइन में वो पूरा ओम साई राम बोलते रहे। अपना एक अनुभव शेयर करते हुए कनिका जी ने बताया कि डॉक्टरों ने भी माना यह वास्तव में एक मिरेकल है। ये 2010 की बात है। सुबह 6 बजे के करीब मेरे हस्बैंड गए हैं, उनको कहीं जाना था दिल्ली, तो वो निकले हैं और मैं तैयार हो रही थी, मुझे बेटे को लेकर जाना था एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो मेरे पास फोन आता है किसी और का, उनके फोन से, मेरे हस्बैंड के फोन से, और वो कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त हुआ है, वो बात नहीं कर पा रहे। मैं उस टाइम एक फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि मैंने अपने मतलब ब्रदर इन लॉ वगैरह को बुलाया। और हम जब निकले दिल्ली के लिए, यहाँ से जाने में दिल्ली का रास्ता है 1 घंटे का, तो मैं एक शीशे पर खिड़की पर ऐसे सर लगाकर बैठी थी और जैसे ही मेरी आंखें बंद थी मैंने देखा, एक विजुअल देखा कि हमारा जो लॉबी का एरिया है वहां पर मेरे हस्बैंड नीचे जमीन पर लेटे हैं और वहां आसपास सब लोग हैं, मैं उनके साइड में बैठी हूँ। मैंने ये नजारा देखा, सब लोग को वो देखा, और जब मैंने ये देखा और इतनी ही देर में बाबा आते हैं, बाबा आए, उन्होंने उनको सर से उठाकर बिठाया, मेरे हस्बैंड को सर से उठाकर बिठाया, मेरे सर पर हाथ रखा और चले गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब हम पहुंचे हॉस्पिटल तो डॉक्टर्स ने, जो अभी जूनियर डॉक्टर्स थे क्योंकि बहुत सुबह का टाइम था तो कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको हुआ क्या है, क्योंकि ऊपर से देखने में कोई चोट नहीं थी और वो सिर्फ ये बोले जा रहे थे कि पेट में दर्द है, बहुत दर्द है, और वो बेहोश थे, थोड़ा थोड़ा होश आता था। सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, किसी में कुछ नहीं आया। तो यहां पर मेरे जो ब्रदर इन लॉज हैं वो सब डिसाइड कर रहे थे कि इनको कहीं और शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो ट्रॉमा सेंटर ले गए थे एम्स, और पता नहीं मैं जिद पर अड़ गई कि ये यहां से कहीं नहीं जाएंगे। इतनी देर में सीनियर डॉक्टर्स आते हैं और वो चेक करने के बाद बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर ले गए, वहां पर 3-4 घंटे लगे और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगर हमने थोड़ी सी भी देर कर दी होती तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उनकी इंटेस्टाइन्स फट गई थी और वो किसी उसमें नहीं आ रहा था सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड में। और मुझे इतना पता था कि बाबा है, क्योंकि मैंने जिद पकड़ ली कि ये यहां से शिफ्ट नहीं करेंगे हम इनको, ये यहीं पर ही रहेंगे। और वो एक, मैंने कभी आज तक ऐसे कभी किसी को नहीं बोला था, पहली बार ऐसे मेरे मन कहां से वो मेरे अंदर वो आया, क्या हुआ, वो सब बाबा का ही है, क्योंकि मैंने देख लिया था कि बाबा ने उनको उठाकर बिठा दिया तो कुछ नहीं होगा। और उन्होंने कहा डॉक्टर्स ने कि ये तो मिरेकल है कि उनकी जान बच गई। यह पूछे जाने पर कि बाबा से आप क्या कहना चाहेंगी तो कनिका जी ने कहा, बाबा मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब बस हाथ मत छोड़ना। भक्तों को संदेश देते हुए कनिका जी ने कहा, मेरा यह मानना है कि बाबा है तो समझो सब कुछ है। बस ये समझो कि बाबा है तो सब कुछ है, और उनको महसूस करो, उनसे बात करो, उनको अपने मन की कहो, वो सब सुनते हैं। आप देखोगे, आप जब उनसे अपनी बात कहोगे ना, आपको लगेगा आपको सब चीज का हल मिल गया, आपको लगेगा आपकी कोई परेशानी नहीं है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगेगा। ये मैंने महसूस किया खुद, मैं तो बस सब छोड़ देती हूँ, बाबा है ना, मैं तो सब छोड़ देती हूँ, कुछ भी नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओम साई राम। प्रस्तुति रविंद्र जैन, साई लीला टाइम्स। कृपया साई लीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। ओम साई राम।